उत्तर प्रदेश में बसपा की इतनी दयनीय स्थिति है, इसके कारण क्या हो सकता है? तो ये पार्टी तो बहुजनों की थी, आई कास्ट मतलब इसमें एंटर कैसे हो गई? बरैया जी को क्यों निकाला? जब ये नेता मतलब बीएसपी में थे तो सभी की एक दूसरे से नफरत थी। कांग्रेस में ऐसी कौन सी दवाई है, ऐसी कौन सी टॉनिक है कि सब कांग्रेस में जा कर के सभी साथ में काम कर रहे हैं? चलो बहन जी, या बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव हार गए, चुनाव हारने के बाद में जयकारे लगा, नहीं हम तो बहन जी के लिए जी जान से मरेंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन अपनी विचारधाराओं में परिवर्तन नहीं करेंगे तो क्या इसका परिणाम आएगा? नमस्कार साथियों, मैं ब्रजमोहन मौर इस वक्त हूँ मध्य प्रदेश के मुरैना ज़िले में, यानी कि अपने गृह ज़िले में। अब अपने ज़िले में आकर के अपने लोगों के बीच में रिपोर्टिंग करना हर एक पत्रकार की एक इच्छा होती है, तो इसी सिलसिले में मैं मध्य प्रदेश में आया हुआ हूँ और ये मध्य प्रदेश के मुरैना ज़िले की कैलाश तहसील है। इस वक्त मेरे साथ में एक ख़ास शख्सियत मौजूद हैं, डॉक्टर नरेंद्र नागर जी, जो बहुजन राजनीति से बहुत लंबे अरसे से जुड़े हैं। इन्होंने माननीय साहब कांसीराम को भी नज़दीक से देखा है, उनको समझा है, उनके नेतृत्व में काम भी किया है। तो साथियों, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की दयनीय स्थिति हुई है और केवल एक सीट बहुजन समाज पार्टी की आई है, तो सर सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो सर, आप किस तरह से देखते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में बसपा की इतनी दयनीय स्थिति है, इसके कारण क्या हो सकते हैं? इन्होंने दलित नेताओं को एकजुट नहीं कर पाई, और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि अभी से ये प्लान बीएसपी को कमज़ोर करने के लिए बहुत पहले से प्लान है हाई कास्ट का, और इसमें मायावती समझ नहीं पाई। अगर समझती तो आज ये दयनीय स्थिति नहीं होती। मतलब आप कह रहे हैं हाई कास्ट का इसमें प्लान है, तो ये पार्टी तो बहुजनों की थी, हाई कास्ट मतलब इसमें एंटर कैसे हो गई और बहन जी नाकाम कैसे हो गई उन्हें समझने में? ये कांशीराम जी जब तक जिंदा थे तब तक तो बीएसपी थी और मिशन था, लेकिन कांशीराम को जैसे ही इनकी मृत्यु हुई, मृत्यु होने के बाद में कांशीराम जी के जो फॉलो नियम थे उनका उल्टा करना शुरू कर दिया। उस समय कांशीराम जी के ज़माने में हाई कास्ट को नो एंट्री थी, और मायावती ने उनके मरने के बाद एंट्री शुरू कर दी। जैसे ही एंट्री शुरू हुई है उसके बाद में इनका ये ग्राफ कम होता गया है। तो आपने साहब कांशीराम को नज़दीक से देखा है, उनका काम करने का तरीका कैसा था? आपने यहाँ पे मध्य प्रदेश में बहुत कैंपेन भी किया, आप चुनाव भी लड़े हैं, क्या अनुभव था साहब कांशीराम का, जिन्हें मायावती फॉलो नहीं करती हैं और आज बहुजन समाज को उसे अपनाने की ज़रूरत है? कांशीराम जी की एक विशेष खूबी थी, जो भी गलती करते उनको अकेले में बिठा कर उनको डांटते, फटकारते और फुसकारते भी थे, और हर साल में वो एक बड़े रूप में एक मीटिंग लेते थे जिले वाइज या स्टेट वाइज। उसमें उनको समझते थे, भाई हमारा हमने जो काम किया है उसका परिणाम क्या आया है, ये मायावती जी में ऐसी नहीं है। अभी 2022 चल रहा है, 2023 के लास्ट में अंत तक मध्य प्रदेश में भी चुनाव आने वाले हैं। जो हालत उत्तर प्रदेश में बसपा की हुई है, इससे मध्य प्रदेश में क्या प्रभाव पड़ेगा, खास करके भिंड, मुरैना, ग्वालियर, यानी कि चंबल ग्वालियर संभाग में बसपा पर? मैं इनका एक ही जवाब देता हूं कि इनको प्रत्याशी मिलना मुश्किल हो जाएगा, बीएसपी के लिए प्रत्याशी मिलना मुश्किल हो जाएगा। चश्मे से भी देखेंगे या दूरबीन से भी देखेंगे, चश्मा प्रत्याशी नहीं मिल पाएगा आज की कंडीशन में। क्या मतलब उसमें सुधार कर सकती है बहुजन समाज पार्टी? मेरा जहाँ तक मानना है कि बहन जी को जितने भी मिशनरी थे जिन्होंने एक एक करके इनको निकाला है, जैसे मध्य प्रदेश से फूल सिंह भदैया, छत्तीसगढ़ से दाऊराम रत्नाकर, पंजाब से मनमोहन सिंह जी, ऐसे मिशनरी लोगों को इनको दोबारा लें, चंद्रशेखर जी हैं अभी नए, ऐसे लोगों को दोबारा बहुजन के लोगों को तैयार करें और उनसे हाथ में हाथ मिला के करें और ब्राह्मणों को बिल्कुल आउट कर दें, तो व्यवस्था बन सकती है। फिर तो व्यवस्था बनने में मध्य प्रदेश में 2 साल में ही सरकार बन जाएगी। वो कैसे 2 साल में, कि यहाँ जाटव को प्रदेश अध्यक्ष बना दें और ओबीसी को सीएम का घोषणा कर दें और तीसरी जाति को टिकट देना कर शुरू कर दें, तो जाति हाथी साथी को मिलाकर काफ़ी कैंपेन करके और यह सरकार बन सकती है। बिल्कुल, इस बात से आपकी इस बात से हम भी सहमत हैं कि जाटव को यानी कि एससी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए, ओबीसी को सीएम का चेहरा घोषित कर दिया जाए, और एक थर्ड जो समाज रहेगा वो कैंडिडेट का रहेगा, तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन से मतलब बीएसपी सत्ता में आ सकती है। आपने बरैया जी का नाम लिया, फूल सिंह बरैया जी का, उससे याद आया
उन्हें निकालने का कारण अभी शायद हमारे दर्शक नहीं जानते होंगे या मध्य प्रदेश के हैं वो जानते हैं, बाहर के लोगों को इस चीज़ से जानकारी नहीं है, बरैया जी को क्यों निकाला? और इसमें मैं एक सवाल और करूंगा, पहले आप संक्षिप्त में ये बात बताएं। बरैया जी को निकालने का काम इनका नहीं, पहले कोई आज़ाद हुआ करते थे और या ये कहना चाहिए कि BSP में जो सत्ता आई उत्तर प्रदेश में, उस सत्ते के नशे में या सत्ता के दलाल उसमें घुस गए, सत्ता के दलालों में ये व्यवस्था करी कि अगर यहाँ को कमज़ोर करने के लिए लोग पार्टी आगे बढ़ने लगी है तो इसको कैसे नष्ट किया जाए, इसके पीछे धीरे धीरे करके इनको हटाना शुरू कर दिया। मैंने भी बरैया जी के भाषणों नज़दीक से सुना है, देखा है और समझा है। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि जो BSP में जो नेता हैं मध्य प्रदेश के खास करके, वो अपने मुद्दे से भटक गए और एक दूसरे से घृणा कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर देखा जाए फूल सिंह बरैया हो गए, अभी मुरैना से बैजनाथ कुशवाहा चर्चित नाम है, विधायक भी हैं, सवरगढ़ से इस टाइम पे कांग्रेस हैं। सुपर से बड़ा नाम था अरविंद जौहरी, जो इनकी पकड़ती मान्यवर एक थे डॉक्टर PP चौधरी, जो इस दुनिया में नहीं है, उसका भी क्रेडिट मैं कहीं ना कहीं BSP को दे सकता हूँ उनकी मौत का। तो जब ये नेता मतलब BSP में थे तो सभी की एक दूसरे से नफरत थी। कांग्रेस में ऐसी कौन सी दवाई है, ऐसी कौन सी टॉनिक है कि सब कांग्रेस में जाकर के सभी साथ में काम कर रहे हैं, एक दूसरे को सम्मान दे रहे हैं? क्या जो बसपा से बारी बारी से, और इसके अलावा और भी कई पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, नर्मदा प्रसाद अहिरवार, सत्यप्रकाश सखवार हैं शायद, सत्यप्रकाश सखवार वो भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं BSP के, ये सभी के सभी BSP को छोड़ के कांग्रेस में गए हैं। अगर BSP गलत थी तो क्या ये एक ऑप्शन नहीं हो सकता था कि तमाम नेता मिलकर के मजबूती से अपनी एक झंडे के नीचे काम कर सकते थे कांग्रेस के अलावा? काम तो कर सकते थे, लेकिन बहन जी के जो कुछ दलाल थे या सत्ता के दलाल थे, मतलब BSP में दो तरह के दलाल हैं, एक तो अपर कास्ट के दलाल, एक बहुजन के दलाल। तो ये दलालों ने आकर के ये शुरू कर दिया, अगर उत्तर प्रदेश के जैसे मान लो उत्तर प्रदेश के लोग दलाल यहाँ आके आते हैं और इनको गुमराह करते हैं और गुमराह करके एक एक करते हैं, एक को तोड़ते हैं फिर एक को निकाल देते हैं, ऐसे करके कमज़ोर होते गए तो फिर ये कहाँ जाएं? तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कहाँ जाएं? कांग्रेस में जाके एक पूरा कुनबा इकट्ठा हो गया है, यानी कि आज की जो वर्तमान अपने दर्शकों को भी बता दूं, आज मध्य प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस की धुरी है, जो BSP के पूर्व नेता हैं जितने भी हैं, अब पहले तो कांग्रेस वाले तो छोड़ छोड़ के सब BJP में चले गए, अब इसमें देखो चाहे तो फूल सिंह बरैया हो, बैजनाथ कुशवाहा हो, अरविंद जौहरी हो, नर्मदा प्रसाद अहिरवार हो, और भी और ये क्या नाम है जो BAMSAP के अध्यक्ष थे मंडेलिया, PS मंडेलिया, तो बहुत बड़ा भाग BSP का कांग्रेस में गया। और इससे पहले भी ये कांग्रेस का सिलसिला रहा है, वो जितने भी विधायक बनते जाते वो कांग्रेस को तोड़ने का काम करते। तो मैं अब आखिर में ये जानना चाहूँगा कि क्या मतलब अब भी बहुजन समाज यहाँ का मध्य प्रदेश का दलित समाज मायावती को पसंद कर सकता है अगर वो अपने उस पीछे आए? मायावती का पसंद तो कर सकते हैं लेकिन नीतियों को बदल दें, तब अगर नीति नहीं बदलेंगी और इनसे भी हाई बिल्कुल BSP की बिल्कुल कागजों में रह जाएगी, जिस तरीके से बाबा साहब की RFI पार्टी थी कागजों में, आज उससे भी दयनीय हो जाएगी, वो कागजों में रह के रह जाएगी बस, और इससे कुछ नहीं है। तो अभी भी बसपा के कार्यकर्ता तो ये कहते हैं कि नहीं अभी भी हम बहन जी के साथ हैं, जायज सी बात है कि साथ होना भी चाहिए, लेकिन बिना परिवर्तन के ये साथ होना, ये कहाँ तक मतलब क्या क्या संदेश देना चाहते? जैसे मान के चलो बहन जी या बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव हार गए, चुनाव हारने के बाद में जयकारे लगा, नहीं हम तो बहन जी के लिए जी जान से मरेंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन अपनी विचारधाराओं में परिवर्तन नहीं करेंगे तो क्या इसका परिणाम आएगा? ये लोग नारे लगाते हैं या जय जयकार बोलते हैं, वो दलाल हैं, सत्ता के दलाल हैं या अपर कास्ट के दलाल हैं, वो काम तो करते नहीं फील्ड में, बस बहन जी के गए और जय जयकार कर दी और बहन जी खुश हो गई और ग्राफ नीचे गिरता गया, इसका एक ही कारण है। और जब तक इन दलालों को हटा देंगे, नाम तो मैं किसी का नहीं लेते, वो खुद जानती हैं कि कौन कौन किसकी वजह से हमारा नुकसान हुआ है, और इसमें बस एक ही बात है कि जैसे अभी नए चंद्रशेखर जी हैं, फूल सिंह बरैया जी हैं, मनमोहन सिंह क्या बोलते हैं अपने पंजाब के अरविंद लाखा जी हैं, और भी राजस्थान के अन्य स्टेटों के हैं, और दाऊर रत्नाकर जी हैं, ऐसे लोगों को इनको ऑफर दिया जाए जिम्मेदारी, ऐसे लोगों से मुलाकात नहीं करती हैं, कोई जाए तो जाए कैसे, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते दलालों से, है घर पर नहीं है,
ये चलो, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें समय दिया। आखिर में बस इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, लेकिन दो सवाल जो मैं भी जानना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शक भी जाने। एक तो कोई किस्सा बताइए साहब कांसीराम से जुड़ा हुआ जो हमको नहीं पता हो, ऐसा कुछ विचार, मतलब मुरैना या मध्य प्रदेश में आते वक्त कोई अपनी तरफ से सामने रखना चाहते हो। कांसीराम जी के लिए लोग जी तन मन धन, और तन मन धन तो तन तो देते ही, मन भी देते, धन भी देते, और जरूरत पड़ती तो मरने मिटने को तैयार रहते। एक बार क्या हुआ था, शुरू शुरू में जब कांसीराम जी यहाँ आए मुरैना में, तो टाइम था 10 बजे का सुबह आने का, रात को 10 बज गई, इसके बाद भी नहीं आए, तो लोग 12 बजे तक 2 बजे तक वहीं रुके रहे। जितनी लोग इकट्ठे हुए उसे दूने होते गए, सुबह आए गए, लेकिन जैसे ही 10 बजे रात के 10 बजे के बाद बोले आ रहे हैं, तो 2 बजे तक पूरा हनुमान चौराहा ऐसा हो गया, मतलब कितने लोग आ गए। इसी तरीके से कैलाश में शुरू शुरू में साइकिल यात्रा हुई थी, तो अपनी पैड़गढ़ रोड चौराहा है, वहाँ आए और आके लोगों से सेम टू सेम बाई फेस, मुझे याद है, शायद मैं 8-10 साल का होऊंगा इसमें। हाँ सही है। हाँ। तो वो दिन बहुत याद आते हैं। अच्छा। और लाड़ प्यार से डांटते भी थे, जैसे टीचर डांटता है ना वैसे डांटते, डांटने के बाद में बेटा तू इस गलती को यहाँ सुधार कर ले, ये सुधारने की ज़रूरत है, और किससे मिलने की नहीं कहते, वो ये नहीं कहते कि मैं मिलूँगा, नहीं, कौन है, बाहर खड़े क्यों खड़े हों, अपने आप बाहर आते घूमने के बिना बताए, बोलो क्यों आए आप मिलने के लिए साहब, कौन रोक रहा है आपको, क्यों रोका भाई, उनको डांटते। ये बात अगर मायावती में हो जाए तो काफ़ी सुधार आ जाएगा और सरकार बन जाएगी और ये PM बनेंगी भविष्य। अच्छा। इसी नीति को लेकर अपने जितने भी दलित राजनीति के लोग हैं, पूरा कांसीराम के ज़माने के मिशनरी हैं, उनको बड़ी जिम्मेदारी जाए और उनको जिम्मेदारी दी जाएगी प्रदेश वाइज या जैसे इसका वो है उसके हिसाब से काम करेंगे तो अच्छा करेंगे, क्योंकि वो लोग ही हाई कास्ट के लोग ही इसमें अन्याय करते हैं SC ST के लिए, और उनका कैसे करेंगे। बहन जी बोलती हैं कि भाई उनके घर जाओ, क्या करेंगे, अरे उनके ही लोग तो ये परेशान करते हैं, वही लोग तो इनको परेशान कर रहे हैं, और उनके खिलाफ़ में कौन जाएगा बोलने के लिए। जब तक हमारा कार्यकर्ता, जैसे मोबाइल चार्ज नहीं होता है, हमारे कार्यकर्ता को चार्ज नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा, चार्ज की तो बहुत ज़रूरत है। हर महीने में PP चौधरी साहब जमाने, परिया जी के ज़माने में हर महीने में एक मीटिंग हुआ करती थी, और प्रदर्शन तो एक महीने में, 3 महीने में तो एक जरूरी था, प्रदेश में तो था ही लेकिन ज़िले में भी 1 महीने में था, जितने भी समस्याएं थी उनको लेकर बड़ा बड़ा प्रदर्शन करते थे। आज सालों से प्रदर्शन नहीं है, तो जान कहाँ से आएगी, लोगों में चार्ज कहाँ से होंगे, और जो थोड़े बहुत थे वो दलाल बन गए, दलालों से लोग। ये तो हो गई बात, वो जब मायावती जी अपना मतलब जो फॉर्म विचारधारा परिवर्तन कर रखता हो, तब की ये बात है कि PM की मतलब केंद्रीय सत्ता तक भी पहुंच सकती हैं, अगर जैसी हैं वैसी ही रहीं, परिवर्तन न किया तो क्या भविष्य रहेगा, भविष्य न के बराबर और से भी कम हो जाए, कागजों में प्रिंट हो गए रह जाएंगी मायावती सरकार। जी साथियों, तो आप देख रहे थे जनता आवाज, ये थे डॉक्टर नरेंद्र नागर जी, इन्होंने काफ़ी जुड़े हुए कांसीराम साहब से जुड़े हुए किस्से थे जो हमने जाने इनसे मिल करके। आपको ये वीडियो या ये खबर कैसी लगी, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और अभी के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।